अ गुड वे टू चेक कि इसको पानी देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, उसका तरीका ये होता है, ये देखिए थंब रूल, आप उसमें थंब लगा के देखिए, अगर तो ये गीला हो रहा है और मिट्टी चिपक रही है तो आप इसमें प्लीज़ पानी मत डालिए, ओवर वाटरिंग मत कीजिए प्लांट्स की। हाँ, अगर आपने थंब के साथ इसको चेक किया और आपको लगा कि ड्राई है, ये आप एक सेंस डेवलप कर देंगे, है ना। अब जैसे अगर मैं फिंगर के साथ भी करता हूँ, सो आई जस्ट चेक्ड विद द फिंगर, इसके अंदर अभी मॉइस्चर है, गीली मिट्टी है, तो इसको आप इसमें अभी पानी नहीं डालेंगे, इसमें अभी दो दिन और पानी नहीं डालेगा। आपको मालूम है, आप सोचते हैं कि ज़्यादा पानी डालने से ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ज़्यादा होने से, ज़्यादा पानी, ओवर वाटरिंग से पौधा कभी कभी मर भी जाता है और स्टंटेड ग्रोथ भी होती है। अब जैसे हम क्या करते हैं, अभी समर्स हैं, समर्स में भी हम सिर्फ दो बार पानी डालते हैं, दो बार। जिस दिन पानी डालें डीप वाटरिंग कीजिए, खूब पानी पिलाइए इसको, लेकिन फिर उसके बाद उसको गैप दीजिए, तीन दिन का, चार दिन का, उसमें कोई वो मत डालिए, उसके अंदर दोबारा, ये नहीं कि रोज़ पानी डाल रहे हैं, रोज़ पानी डाल रहे हैं, ऐसा मत कीजिए, उसकी जड़ें ख़राब हो जाएंगी, पौधा अनहेल्दी हो जाएगा। बहुत लोग पूछते हैं कि हमें जो छोटे छोटे कभी कभी ग्रेवल पत्थर आ जाता है मिट्टी के अंदर, उसको हमें रिमूव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देर आर मैनी स्कूल्स ऑफ थाट। अगर आप होम गार्डनिंग में देखेंगे तो सब लोग कहेंगे कि नहीं, सारे पत्थरों को आप रिमूव कर दीजिए और सिर्फ फाइन टेक्सचर सॉइल, उसके अंदर ही रूट्स की ग्रोथ होनी चाहिए। आई डोंट थिंक सो, ऐसा मतलब माई पॉइंट ऑफ व्यू इज़, क्योंकि हम फॉरेस्ट में काम करते हैं, हम सोशल फॉरेस्ट्री में काम करते हैं, हम एग्रो फॉरेस्ट्री में काम करते हैं, सो हमारा जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ब्रॉड बेस्ड है। तो होम गार्डन्स में भी हमने देखा है, पौधों को अच्छा लगता है अगर दो चार पत्थर प्लांटर में रह जाएं, तो इट क्रिएट्स एन एयर पॉकेट। भाई सॉइल जो है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसको भी तो ब्रीदिंग का टाइम चाहिए, उसको भी तो ब्रीदिंग की एक स्पेस चाहिए, उसको भी ब्रीदिंग का एक चैनल चाहिए। दे हेल्प इन कैपिलरी रिएक्शन, दे हेल्प, दे क्रिएट दैट लिटिल लिटिल पॉकेट्स ऑफ एयर, वेयर द पॉकेट, वेयर दी, जहाँ पत्थर पड़ा होगा अब बिल्कुल उससे चिपक के तो मिट्टी होगी नहीं, है ना, तो कुछ तो मॉलिकुलर स्पेसेस होंगी उसमें, उसके अंदर हवा होगी। सो दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द सॉइल, फॉर द हेल्थ ऑफ द सॉइल। थ्री थिंग्स यू शुड रिमूव फ्रॉम द सॉइल, लोहा, ग्लास और प्लास्टिक। लोहा, आयरन, ग्लास, ग्लास बॉटल्स, शार्पनर्स होते हैं, टूटी हुई बॉटल्स होती हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, पूरी पूरी बॉटल ही निकल आती है कभी कभी अर्थ में से, प्लास्टिक, वन टाइम यूज़ प्लास्टिक जितना होता है वो, प्लास्टिक तो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है, क्योंकि जब उस पर धूप लगती है, उसमें बारिश होती है, धीरे धीरे केमिकल लीचिंग होती है, और वही जो रिस के केमिकल्स जो हैं वो सॉइल में फैल जाते हैं, वो टॉक्सिन्स क्रिएट करते हैं सॉइल में, एंड अल्टीमेटली अगर आपने फ्रूट ट्री लगाया है, वेजिटेबल्स लगाए हैं, आप कोई एडिबल प्लांट लगाया है, वो उसके अंदर आ जाता है, तो वो टॉक्सिन उसके अंदर आ जाता है एंड इट बिकम्स पॉइजनस, योर सॉइल बिकम्स पॉइजनस। देखिए, होम गार्डनिंग में सबसे बड़ी बात है कि यू क्रिएट योर ओन सॉइल, कॉम्पोस्ट बनाइए, दवा के कॉम्पोस्ट बनाइए, खूब सारी कॉम्पोस्ट बनाइए। हमारे यहाँ 500 प्लांटर्स पड़े हैं, सब के सब जो हैं हमने अपनी कॉम्पोस्ट बनाई है। दूसरा पॉइंट, इंस्टेड ऑफ बाइंग इट फ्रॉम द नर्सरी, आई एम नॉट अगेंस्ट द कमर्शियल नर्सरीज, आई एम ओनली सेइंग, आई कीप रिपीटिंग दिस थिंग, कमर्शियल नर्सरी में सर जब आप जाते हो ना, तो वहाँ पर वो लोग यूरिया, NPK, बहुत सारी ना इस तरह के केमिकल फर्टिलाइज़र, केमिकल इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, वो सब स्प्रे कर करके अपने पौधों को, जो भी उनको लगता है कि हेल्थ उनकी अच्छी रखी हुई है, वो सारा मिक्स हो जाता है सॉइल में। तो आप इतना सारा केमिकल मिक्स करके सॉइल में, और वो सॉइल आप घर में ले आते हो, घर में ला के आप अपने होम गार्डन में रखते हैं, होम गार्डन में इसी में धनिया उगा रहे हो, उसी में आप पुदीना उगा रहे हैं, तो सारी चीज़ें, आप तो पूरी सॉइल को टॉक्सिन
टॉक्सिसिटी दे रहे हैं, मत कीजिए, है ना। क्रिएट योर ओन सॉइल। जैसे आप गाड़ी में कहीं गए, स्कूटर पे गए, मोटरसाइकिल पे गए, वॉक पे गए, आप क्लॉथ बैग ले लीजिए, अच्छा हैवी वाला क्लॉथ बैग ले लीजिए, और अपनी कोई खुरपी ले लीजिए, इस तरह की खुरपी रख लीजिए। हमने तो एक ही खुरपी में कितने जंगल लगा लिए, है ना। तो आप खुरपी से स्क्रेप करके ऊपर जो चार इंच की जो सॉइल होती है, किसी बड़े बरगद के पेड़ के नीचे, बड़े नीम के पेड़ के नीचे, बड़ा शीशम का पेड़, बड़ा जामुन का पेड़, बड़ा पीपल का पेड़, या फिर गुलर का पेड़, या फिर पिलखन का पेड़, तो जो ओल्ड ग्रोथ, पुराना, जिसकी बड़ी कैनोपी है, वो आइडेंटिफाई कीजिए। वो पार्क में हो सकता है, स्कूल में हो सकता है, नदी के किनारे, तालाब के किनारे जब जाते हैं, पुराने तालाब होते हैं, वहाँ पर बड़े बड़े पेड़ लगे होते हैं, उसके नीचे की जो 4 इंची की मिट्टी होती है, वो स्क्रेप करके ले आइए। इट इज़ वेरी रिच इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, वेरी रिच इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वो आप क्या करें, वो थोड़ा थोड़ी मिट्टी जो है सारे प्लांटर्स में डाल दीजिए। लेट दोज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ट्रेवल इन टू ऑल योर प्लांटर्स सो दैट दे मल्टीप्लाई ओवर देयर। एक प्लांटर में जब आप मिट्टी डालते हैं, इट हैज़ अ लिमिटेड शेल्फ लाइफ, दैट इज़ फॉर 3 मंथ्स, मैक्सिमम 4 मंथ्स, राइट। चाहे जितनी अच्छी सॉइल हो भाई, उसको जब तक रिप्लेनिश नहीं करोगे न्यूट्रिएंट से, तो पौधा बढ़ेगा कैसे। इसीलिए तो बार बार उसमें खाद डालनी पड़ती है। मैं मानता हूँ बार बार खाद डालने से अच्छा है आप 6 मंथ्स के एक ड्यूरेशन में, ये आप एक रूटीन बनाइए, थंब रूल बनाइए, हर 6 महीने में उसको रीपॉटिंग कीजिए। रीपॉटिंग का क्या अर्थ हुआ कि आपने पौधे को निकाला, उसको सेफली जड़ के साथ एक साइड पे रखा, उसकी मिट्टी पूरी ओवरटर्न करी। अब जैसे ये कंपोस्ट बिन है, इसी के अंदर सारा डाल दिया, उसको दोबारा मिक्स किया, अब कंपोस्ट भी उसमें मिक्स हो गई, उसको फिर प्लांटर में भर के और उसको रीपॉटिंग कर दो, मतलब पौधे को उसमें लगा दो। 6 महीने में एक बार ज़रूर ज़रूर अपनी मिट्टी को पूरी चेंज कीजिए। आप देखिए बहुत सारे रेशोज़ होते हैं आप पॉटिंग मिक्सचर बनाने के लिए, जैसे मैं देखता हूँ इंटरनेट पे है, वो कहते हैं 7% ऑफ दिस, 13% ऑफ दैट, 10% ऑफ सैंड, 5% ऑफ ग्रेवल, 10% नीम खली, 3.5% ऑफ सरसों खली। ओ भाई, इतना लंबा चौड़ा मत कीजिए, 50-50 रखिए। 50% जो नॉर्मल सॉइल आपके पास है और 50% आप कंपोस्ट डालिए। अगर कंपोस्ट नहीं है इमीडिएट, जैसे मैंने आपको बोला, तो अच्छी वाली मिट्टी आप बाहर से स्क्रेप करके, 4 इंची सॉइल जो है आप खरीद के नहीं, आप उसको स्क्रेप करके ले आइए, इकट्ठा करके ले आइए और उसको मिक्स करके अपने प्लांटर में डाल दीजिए, 50-50। अच्छा, कुछ मैं आपको गुड़ाई के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, टिलिंग ऑफ द सॉइल। अब देखिए, ये हमारा पौधा है, तो हमारे कोई प्रिय आए थे, वॉलंटियर आए थे यहाँ, तो उन्होंने इस खुरपी से इसकी टिलिंग कर दी। हुआ क्या, ये बेचारा पौधा अब बीमार हो गया। क्यों? क्योंकि इसकी रूट्स डैमेज हो गई। आप प्लांटर का साइज़ देखिए, वॉल्यूम ऑफ सॉइल देखिए, उसके हिसाब से अपना डिगिंग टूल को चूज़ कीजिए, राइट। तो इसमें इस साइज़ में कभी खुरपी मत यूज़ कीजिए। क्या यूज़ करेंगे, मैंने पहले भी बोला, यू कैन जस्ट यूज़ अ गुड टेबल स्पून, मे बी अ टी स्पून जो होगा वो छोटा पड़ेगा, एक टेबल स्पून जो होता है, ये देखिए टेबल स्पून है स्टील का, है ना। अब इससे जो है, ये देखिए कितने आराम से, बस लो हो गया। कितना टाइम लगा, ओवर, है ना। सो चूज़ द राइट टूल्स, डोंट, आप इतनी बड़ी आप खुरपी जो है, हाँ इतने छोटे से प्लांटर में डालेंगे तो रूट सारी डैमेज हो गई अंदर, है ना। ये हो जाएगा, रिवाइव हो जाएगा, अभी बहुत टाइम पे इसको हमने देख लिया है, तो 1-2-3 हफ्ते में इसमें लीव्स आने शुरू हो जाएंगे। सो यू कैन डू दैट। द अदर थिंग इज़, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, स्पून, फोर्क एंड अ बटर नाइफ, स्पून, फोर्क एंड अ बटर नाइफ, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं आप अपने बैकपैक पे हमेशा रखिए, मैं तो रखता हूँ, और ये मेरे सबसे बेस्ट, मोस्ट फ्रेंडली, मोस्ट कॉम्पैक्ट, एवर लास्टिंग, इनको हो गए अराउंड 20-25 ईयर्स हो गए,
माई गार्डन टूल्स, होम गार्डनिंग टूल्स, किचन में ऐसे ही उठा के ले आइए।